Ashraf? Ashraf, yeah, what audio me problem? No. What's your pleasure? गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपकी फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई, सेंसरशिप में प्रॉब्लम आ रही है, सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है. नई रिलीज डेट कब की तय हुई है और क्या कुछ नुकसान हुआ है फिल्म को? वी विल लेट यू नो अबाउट दैट जो डेट होगी रिलीज की. ये पोस्टपोन हुई है डेफिनेटली बिकॉज ऑफ ये सेंसर की जो पलाजी ने प्रॉब्लम फेस की. मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले जो कभी ना कहा गया हो या अब ऐसा हो रहा हो जो लग रही है फिल्में जिसमें इस तरह के उच्चारण ना हो, शब्द के चयन ना हो, इस प्रकार के डायलॉग्स का या आगे ना हो, ऐसा नज़र आए तो आदमी समझे कि हाँ भाई ये जो कह रहे हैं सिंसियरली ये वो चाह रहे हैं और यही उनकी सोच है. परंतु मुझे थोड़ा सा विपरीत नज़र आ रहा है और क्योंकि ये दुनिया देख रही है और आप ये प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाण पत्र ही है आपके व्यवहार का, तो ये थोड़ा मुझे ना ये परस्पर विरोध नज़र आया और परस्परता का विरोध का या प्रतिद्वंद्वता का ये अच्छा प्रमाण लगे. मुझे ये फिल्मी माहौल अच्छा नहीं लग रहा है और मेरा ऐसा सोचना है कि अच्छे से सिनेमा रिलीज़ हो और बहुत वो प्रयत्न कर रहे हैं और मैंने मेरा करियर फिल्मी उन्हीं की फिल्म से शुरू किया तो बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं आगे निकल के कहूँ कि भी कृपया उन्हें इस प्रकार के कष्ट ना दें और अच्छा प्रमाण दें. आई डोंट टेक इट लाइक अ हर्ट और समथिंग. ये फिल्मी व्यापार की ये कभी भी रणनीति इस तरह की रही होगी ये मेरे इसमें विषय में तो कभी आया नहीं और क्योंकि अब थोड़ा मिक्स्ड हो रहा है जो सिनेमा से हैं वो पॉलिटिक्स में नज़र आते हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं वो सिनेमा में नज़र आते हैं और अब मिक्स्ड हुआ है. और जैसे दक्षिण में होता है, दक्षिण में लोग एक दूसरे का साथ दे के आगे निकलते हैं. वहाँ पे क्योंकि हर हीरो का वो पर्सनल वो बिजनेस है कि वो फिल्म बनाए और फिर रिलीज़ करे तो पीपल डोंट डू लाइक दैट. वो तो बहुत अच्छा प्रमाण देते हैं, बहुत अच्छा ही के साथ काम करते हैं वो लोग. मुझे लगता है वहाँ से ये समझे लोग और इस तरह से बाहर निकले और बाहर निकल के अच्छे से काम करें. हर्ट वर्ट मैं नहीं होता हूँ किसी मेरे क्योंकि ये हर आदमी अपना कार्ड लेकर फिल्म लाइन में चल रहा होता है, वो बताता है कि मैं ऐसा हूँ तो ऐसे में आप अच्छा ऐसे हैं आप फाइन ठीक फाइन आप ऐसे हैं. गुरिंदर जी, आपकी फिल्म में 20 से ज़्यादा कट्स बोले हैं और अभी अब जब आप लोग कोर्ट में गए तो ट्रिब्यूनल में जाने की बात कही है. कब फिल्म देखी है और किस तरीके से आप डील कर रहे हैं कि आपकी फिल्म को कट्स ना मिले? बिकॉज प्रहलाद जी का कहना है जितना पोर्शन कट करने के लिए कह रहे हैं उससे फिल्म का काफ़ी मेजर चंक हटाना पड़ेगा और उसके अलावा उन्हें फिर वो रीशूट करेंगे अपना, फिर समय जाएगा और बहुत सारी जो है कि या तो वो फ्लॉप फिल्म लेके आगे निकले या तो फिर रीशूट करें और फिर बनाएं, ऐसा कुछ माहौल उनके साथ उनको खड़ा कर दिया गया तो रॉन्ग है मेरे से सोचना है. एंड दे मस्ट लुक एट इट अगेन, इससे पहले क्या फिल्में आई हैं, क्या उनके डायलॉग रहे हैं और क्या अब आ रही हैं, क्या साथ साथ लग रही हैं. मतलब कि बहुत ही भयंकर माहौल है अलग तरफ देखा जाए तो इधर उधर,
उसमें इनफैक्ट ये मैंने पहला जी से कहा था कि जो रियल लाइफ के जो फिल्म लाइन में अब जिस तरह का डायलॉग्स नहीं होते, बोलचाल है, और आप इस्तेमाल करना है तो उस तरह का बहुत सारी फिल्मों में हमें गाली गलौज ये वो रियलिटी देखने मिलती है, दैट इज़ वो रियलिटी सिनेमा है। तो वो रियलिटी में सिनेमा या तो वैसे ही करें, अब वो उतनी शराफत में थे कि उन्हें लग रहा था कि मैं चीफ रहा हूँ और मैं इस तरह के सब्जेक्ट और मैं चाहे जो हो स्ट्रेट हो। मैंने कहा वो विलन है, विलन अपने हिसाब से डायलॉग्स कहेगा और हीरो 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 लगे, परंतु वो थोड़ा सा संभल संभल के अपना चल रहे थे। उसके बाद उनके साथ ये सब हुआ है। तो आपको लगता है कि इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि जब वो चीफ रहे किसी भी एफसी के तो उन्होंने भी काफ़ी लोगों की फिल्म रिलीज होने में या सर्टिफिकेशन देने में वक्त लगाया या दिक्कतें क्रिएट की, शायद ये आपको लग रहा है ये वजह कि कहीं ना कहीं लोग इस वजह से भी उनकी फिल्म के लिए दिक्कत कर रहे हैं। जो है ये अच्छे उदाहरण नहीं होते, मेरा ऐसा सोचना है। आप वो क्या है और वो कैसे हैं उसका प्रमाण आप प्रतिद्वंदता में देते हैं कि प्रामाणिक रूप से देते हैं, ये आपकी अपनी छवि है। ये व्यापार में मुझे लगता है कि ये सब ख़ास तौर पे सिनेमा जगत में, सरस्वती में आप ये ले आए हैं, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये फिर इसे वंस अगेन शुरू शुरू में ऐसा हुआ था कि जिस वक्त हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फिल्में साइन कर ली थी तो हमें प्रताड़ित किया गया था ये कह करके आप इतनी ज़्यादा फिल्में नहीं कर सकते तो कम सिनेमा कीजिए। फाइन, हम लोग कम सिनेमा करिए किए, उसके बाद में ऐसा तो हुआ नहीं कि हम फ्लॉप हो गए, वी केम वेरी अगेन स्ट्रांगली, वी डिड वेल। तो ये भी हमें प्रमाण देखने मिला है कि भाई आप अपना थिएटर्स की आप चेन तैयार करें और आपके लोग इकट्ठा करें और फिर आपके लोगों के साथ में आप काम करें। लेकिन ये तो राजनीतिक विषय हो गया, फिर ये तो फिल्मों का कहाँ रहा माहौल नहीं है। दक्षिण में बहुत होता है, दक्षिण में लोग संभालते हैं लोग एक दूसरे को, चाहे अपोजिट पार्टी के क्यों ना हो, उन लोग जिस वक्त सिनेमा आ रहा होता है तो सिनेमा में साथ देते हैं। गोविंदा जी, आपने पिछली बार कहा था कि आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है, कुछ लोग हैं जो आपकी फिल्मों को थिएटर नहीं देते, उतने स्क्रीन्स नहीं देते, तो आखिर वो कौन लोग हैं और आप उनका नाम क्यों नहीं बता? नहीं, मेरा सोचना है कि मैं उस विषय पे चर्चा भी नहीं करूँगा। अभी मेरा ऐसा सोचना है कि देर आर फ्यू सब्जेक्ट यू शुड लुक एट इट एंड देर आर फ्यू सब्जेक्ट यू शुड नॉट लुक एट इट, बट देन हैविंग देम देयर इफ यू डिनाई द फैक्ट दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। सो हैविंग सेड दैट वट एवर आई वॉन्टेड टू से दैट डे फॉर स्पेशली नो बडी एल्स बट पहला जी, बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर विद हिम and I respect in that way, otherwise I wouldn't have said that as well. I'm not that kind of, मैं पॉलिटिक्स से निकला तो बहुत तमीज़ से निकला हूँ, और तमीज़ और अदब मैंने मेरे किरदार जो भी निभाया इस जीवन के अंदर उसका हिस्सा रहा है। अच्छे से काम करें लोग, अच्छे से वर्क करें, दक्षिण की तरफ देखें, अच्छा है वो माहौल, अच्छा है और उसी माहौल की तरफ। So your filming career has been one mentor arm. You are the brightest superstar we have seen. So when you see success and when you see failures, how do you cope up with that? Especially when you see a failure. So how do you seeing a failure, seeing a success, reacting to it is a sign of weak people. I think that way. I feel that when we started, we were very poor. And God gave us success, and it was tough for us to buy tickets to watch a film. Now we are in films, and we've been in films for years, and God gave us the chance to be in films, made us stars, and we are very thankful to everybody who has played a small part, what he has. So thankful to all of them. Again, I'm not, that day when I said that about a group, I was not fighting, I said it. Because aap jhagda kare,
ये तो 100 करोड़ की आबादी में 100 हीरो नहीं हैं, 10 हैं, उसमें से हम हैं, तो हम तो धन्यवाद देते रहते हैं, शुक्रिया अदा करते रहते हैं, और चढ़ाव उतार तो चलता रहेगा, ऐसी जीवन है, और उससे हम हीन भाव ले आए अपने आप में और निकृष्ट स्वभाव में ले आए तो अच्छा नहीं लगता। हार्डवर्क करेंगे, इन केस अगर करना पड़ा तो वो जो कैप्चरिंग सिस्टम है होता था राजनीति में, फिर पूरी फ्यूचर देखते थे हम लोग, खुद कैप्चरिंग कर दी उन्होंने तो समथिंग लाइक दैट यू नो। तो ये तो उठने की और गिरने की व्यवस्था होती है, कौन कितना व्यक्ति गिर रहा है या कौन कितना व्यक्ति उठ रहा है, उसकी अपनी सोच है। मेरा ऐसा सोचना है कि हम तो इस वर्ल्ड में आ गए और ऊपर वाले ने हमें ये मौका अता फरमा दिया कि हम इसमें स्टार हो गए। ओ माय गॉड, आई एम सो थैंकफुल, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुझे तो कभी नहीं हुआ, मुझे करवाते थे समटाइम्स। आप बहुत ज़्यादा ईमानदारी से काम करते हैं और आपकी फिल्में जिस वक्त अवार्ड्स में आ जाती हैं और लोगों का ये होता है कि हम तो हैं यहाँ पे, ये कैसे, ये कहाँ से आ गया और ये कॉमेडी फिल्में कहाँ से इसमें आने लग गई, उनकी सोच है। हाँ, मैं सिर्फ देख रहा, सॉरी एंड वो उनकी सोच है। मुझे ऐसा लगता है कि हर टाइप का सिनेमा है, हर टाइप के लोग हैं। अब बगीचा देखने के लिए लोग आते हैं तो एक ही फूल की तरफ नहीं देखते हैं, तो पूरा बगीचा देखने के लिए आते हैं। अच्छा, अच्छा माहौल हो जी। अच्छा, अभी रिसेंटली 20 साल हो गए बड़े मियाँ छोटे मियाँ को, जहाँ पे अमिताभ बच्चन थे आपके साथ, अब वो काफ़ी जॉनर में खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप भी कैसे कॉमेडी छोड़ के ऐसे बाकी के जॉनर में अगर मिला तो क्या ट्राई करोगे? लगभग ऐसा रहा कि मैं जिस वक्त पॉलिटिक्स से निकला तो मैंने किल दिल की, मैंने हैप्पी एंडिंग की, डिफरेंट जॉनर की फिल्में थी, और मैंने रावण फिल्म की, डिफरेंट जॉनर से, और अब फिर आ गया हीरो से, पुनः मेरी वापसी हुई है फिल्मों में एज अ हीरो, और फिर मैंने ये 2 फिल्में एज अ हीरो की हैं, और फिर 2 फिल्में और मैंने मतलब लाइंड अप है कि मैं स्टार्ट करूँ एज अ हीरो। तो देर इज़ नथिंग एज सच के ये करें और ये करें, काम मिल रहा है काम करेंगे, और वही काम है क्योंकि पॉलिटिकल लाइफ की तरफ नहीं देख रहे हम। आजकल कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स और वेब सीरीज काफ़ी बन रहा है, एंड अभी का बॉलीवुड स्पेशली अभी हिंदी सिनेमा है कि कंटेंट ड्रिवन है, कोई कभी कोई फिल्म हीरो का चलता है नहीं चलता, इट्स बेसिकली स्टोरी इज अ किंग। सो हाउ डू यू सी दैट एंड विल यू एवर सबसाइड योर हीरो थिंग एंड से कि चलो मैं अपने आप को हीरो नहीं कुछ और देखकर ये चीज़। आप मैंने जो जवाब पहले दे दिया उसका ही आप पूरा सवाल पूछ रही हैं। मैंने कहा एज अ विलन रोल किया, एज अ कॉमेडी मैंने फिल्म की है पेंडिंग में, आगे हीरो में पुनः एज अ हीरो वापसी हुई। देर इज़ नथिंग एज सच कि मैं ये सोचने लगूँ कि मैं यही करूँगा और ये आई एम वर्किंग एंड आई एम ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो लोग पसंद कर रहे हैं। अब वो पसंद करने के लिए जो जगह चाहिए और वो जगह है उस पर अब सब्जेक्ट होने लग गया है, जैसे कि फिल्म का सेंसर ना होना, जैसे थिएटर ना मिलना, ये फिल्म का हिस्सा नहीं है, ये पॉलिटिक्स का हुआ करता था किसी ज़माने में। अब ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा में घुसने न दे किसी को, ये राज्यसभा में घुसने न दे, आएगा तो पता लगेगा कि आया कैसे आया, ऐसा तो है नहीं। तो ये थोड़ी सी ये अलग सब्जेक्ट हो गया, ये पहले कभी ऐसा सब्जेक्ट देखा नहीं। जैसा कि कंटेंट की बात हुई थी, क्या आपको अगर कोई अच्छा किरदार मिले, कुछ अच्छा कंटेंट लगे आपको, तो क्या आप वेब के लिए कुछ? या व्हाई नॉट, आई एम हियर टू वर्क एंड आई एम वर्किंग, आई एम जैसे जैसे जो काम, अब यही फिल्म लाइन का ही है काम तो मैं कर रहा हूँ, और अब जैसे कि होता है जिस वक्त पॉलिटिकल ये तारीखें जिस वक्त करीब आ रही होती हैं तो लोग चेक करने के लिए आते हैं, आपका माइक अच्छा फाइन क्वालिटी का हो उसके बावजूद फूक मार के चेक करते हैं, 1 2 3 4 क्या आप आ रहे हैं उस तरफ, एक्सक्यूज़ मी मैं उस तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल तरफ नहीं देख रहा हूँ, और जो ये वर्क है ये करें, अच्छे से करें।
हाँ देखी, पर वो लोगों से पैसे नहीं लिया कि मैं उन लोगों से तारीफ करूँ. हो गया, एक सवाल मैं आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप रिलीजन में बहुत बिलीव करते हैं, भगवान में बहुत मानते हैं. नहीं, मैं शाम में ड्रिंक करता हूँ sometimes. आई गो अराउंड, आई पार्टी, आई करती हूँ, पर भगवान में बहुत मानते हैं. अरे बेशक, मेरे पास पर्याय ही नहीं है, मॉम ही ऐसी रही नहीं तो साधु ही थी वो. मैं जानना चाहती हूँ, जो इतना बवाल चल रहा है राम मंदिर को लेके अयोध्या में, क्या आप चाहते हैं राम मंदिर बनना चाहिए नहीं, आपके हिसाब से आप किस तरीके से देखते हैं इस मुद्दे? अरे आप जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स की तरफ देख ही नहीं रहा हूँ और वो डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, एक अलग ही विषय. आप मुझे तो इतना पता है कि ये रंगीला राजा में डायलॉग है, वो डायलॉग ही निकाल दिया वो लोग. ये सब्जेक्ट मतलब वो जो शक्ति कपूर ने राम का नाम लिया और वो डायलॉग निकाल दिया, तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट होकर वो देख रहे हैं, ऐसा मेरा सोचना. हाँ मतलब मैं यूज़ टू नहीं हूँ कि ऐसे, मैं पहले कभी मैं माहौल देखा हूँ, मैं उसके लिए यूज़ टू नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ये अलग लग रहा है. और क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स देख लिया है तो सहज हूँ, सरल हूँ, और जो लोग ऐसा प्रमाण दे रहे हैं वो लोग अपने विषय में सोचें ताकि वो भी आगे इस तरह का माहौल ना देखें, अच्छा रहेगा सब लोगों के लिए. नो प्रॉब्लम, लेट देम आस्क ना. थॉट्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी बड़ी बजट की फिल्में जो है वो आजकल नहीं चल पा रही है, जो छोटी बजट की फिल्में वो ज्यादा कमाल कर रही है, तो इस पे आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, जिसके मैं पर्सनल थोड़ा सा प्रश्न है ये, मैं जिसके पैसे लग गए होते हैं, क्योंकि मैंने फिल्म प्रोड्यूस की, इतने पैसे लग गए, अब पुनः वो कब लौटेंगे और कब आए, ये सवाल है. और जिसके घर परिवार के बहुत पैसे लग जाते हैं, मैं आई डोंट लुक एट दैट थिंग्स लाइक दैट. आज जो प्रोड्यूसर जो वर्क कर रहे हैं और जो है, ये स्क्वीज्ड होके ख़त्म ना हो जाए. और क्योंकि जो लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से हैं, जिनके पास पैसे पब्लिक के हैं और वो बेधड़क होकर पैसे लगा रहे हैं, धन्यवाद हम इंडस्ट्री वाले दें कि भाई आप पैसा लेके इस तरफ आए तो सही कि आपने हमारी तरफ देखा, परंतु वो विषय ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि ये स्क्वीज्ड हो जाए और ये ख़त्म हो जाए और पता चले वो जो दे रहे हैं वहाँ पे लोग ना हो, तो फिर सब ये जो है, तो जो जो जहाँ जहाँ है, जैसा जैसा है और अच्छा है मिले, और साथ में एक अपनी अच्छी भूमिका फिल्मों में निभाए, अच्छा लगेगा. जिनके साथ आपने काफी काम किया है, नंबर वन सीरीज मोस्टली इंस्पायर्ड हिम, एंड इट इज सेड दैट ही इज गोना ब्रिंग अप हिज ओन प्रोडक्शन हाउस एंड ही विल रीमेक वन ऑफ द नंबर वन फिल्म्स व्हिच कुड बी हीरो नंबर वन, और वो अपने वरुण धवन को उसमें कास्ट करेंगे, तो आपका क्या कहना है इस पे? डू यू थिंक ही कैन फिट इन टू द शूज? मुझे लोग बहुत सवाल पूछते हैं उनके लिए, मैं कृपया मैं वो लोगों से कहूँगा कि अब क्योंकि मैं 10-11 साल मिला ही नहीं हूँ उस आदमी से, तो उस विषय में मुझसे ज़्यादा चर्चा ना करें, ताकि ऐसा ना लगे कि मैं मेरी तरफ से प्रयत्न कर रहा हूँ कि मैं वो विषय में चर्चा करूँ. क्षमा चाहता हूँ, मैं सजेशन जल्दी से देता नहीं हूँ, और कभी देनी पड़े तो पैसे लूँगा. तो जब आप सलमान से मिले, या फिर अभी जब आपकी मूवी रिलीज नहीं हो पा रही, स्क्रीन्स नहीं मिल रहा है, तो क्या किसी खान से आपने बात किया, फिर किसी ने कुछ ऐसे सिंपैथी या सपोर्ट में आपके आए ये मूवी के लिए, बॉलीवुड से कोई सपोर्ट? मैं मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय पहलाज जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं 175-74 फिल्में उन्होंने रिलीज़ की हैं, तो अब ये सेंसर जो है इसमें किसी हीरो की क्या कैपेसिटी हो सकती है कि ये ऐसी बॉडी पे डिस्कस करने जाए कि क्या सब्जेक्ट है और क्या नहीं है, क्योंकि वो पर्सनल हो जाता है बहुत ज़्यादा. और ये सब हीरो जो है ये सब प्रोड्यूसर हो गए हैं ना अभी, तो पंगा तो लेंगे नहीं किसी से, दे हैव टू डू देयर ओन बिजनेस. सो इट्स नॉट गुड टू आस्क फॉर अ फेवर, इट्स नॉट गुड टू लुक एट फॉर द फेवर्स, बिकॉज दे आर देयर ओन बिजनेस. आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो बॉडी है वो
सेंसर के लिए हिसाब से जो वो लोग प्रमाण पेश कर रहे हैं देश में, पूरा देश देख रहा है और चित्रपट भी देखने वाला है, और चित्रपट देखने के बाद वो अगर वो कह दें कि नहीं नहीं ये लोगों ने जानबूझ के ऐसा हरकत की है, क्या है वो शर्म की वो हो जाएगी उनके लिए परिस्थिति, और तीन चार आदमी से वो कहलवा भी दे के नहीं नहीं ये राइट थे, तो उससे कुछ भी नहीं होगा, पता लगता है। इफ समबडी इज़ डूइंग पॉलिटिक्स अगेंस्ट समबडी, यू कम टू नो दैट हाँ ये तो गेम था भाई, ये रियलिटी तो थी नहीं, बिकॉज पहले थिएटर में थमा देना, फिर सेंसर पे थमा देना, किसी न किसी विषय में समा देना, ये कितने टाइम तक हो सकता है, जितने टाइम तक आपको अलग अलग विषय पता है तब तक ना, फिर जो हार्डवर्क करते हैं तो करते रहेंगे अपना, जो लगे हैं तो लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे और जितनी ज़्यादा मेहनत करनी है और जितने पहलू आप हमें दिखाओगे समझाओगे हम उस पर वर्क करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जगत तो पूरा सूर्य व्याप्त है ना और चंद्रमा व्याप्त है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे प्रमाण रखें वही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये ऐसे विषय तो है नहीं जो आगे आएंगे नहीं, नेक्स्ट टाइम यू माइट सी दिस विद देम। यूजुअली हम अभी आजकल बहुत फिल्मी पार्टीज देखते हैं, यू नो इट इज सेड कि नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन बॉलीवुड गेम, बट हमने आपको कोई ज्यादा पार्टीज में देखा ही नहीं। मैं कभी हिस्सा ही नहीं रहा यार, ये क्या ट्रेजेडी है। एक तो मैं पीता नहीं हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा पी लूँ तो मुझे इतनी चढ़ जाती है कि मैं सोचता हूँ कि आई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हमाम में एक आदमी सूट पहन के बैठा हो तो आदमी को लगता है यार ये काय को सूट पहन के बैठा हुआ यार। तो बहरहाल मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, आई लव देम एंड आई बीन पार्ट ऑफ फिल्म लाइन, बट मैं उसका कभी हिस्सा नहीं रहा। मैं 33 की एज में मैंने जिस वक्त फर्स्ट टाइम ड्रिंक पिया था तो मैंने मेरी मम्मी से पूछा बियर पीने के लिए, तो मेरी मम्मी ने मुझे आधा घंटा प्रवचन दिया कि बियर क्यों ना पीऊँ मैं, तो कहें क्या ऐसा नशा क्या करें जो सुबह उतर जाए, नशा ऐसा करो सारी ज़िंदगी चढ़ा रहे, तो थोड़ा सा वृत्ति अलग थी। फिर थोड़ी देर में मैंने फिर फोन लगाया, मम्मी प्लीज़ मैं पीना चाहता हूँ। तो अच्छा थोड़ा सा पी लो, फिर घर पे नहीं आओ, मुझे वास वास आएगा तुम्हारे मुँह से अच्छा नहीं लगेगा। तो शिव लगता है तो हो सकता है कि उसका असर रह गया मुझ पर, ऐसा नहीं कि मेरे घर परिवार में सब बहुत अच्छे से मज़ा ले, सब अच्छा पार्टी करते हैं सब लोग, दे रॉक एंड आई फील सो नाइस, दे हैव अ गुड टाइम। मैं उसका हिस्सा कभी नहीं रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई, सैड। आप रणवीर और दीपिका के वेडिंग रिसेप्शन पे जाएंगे, बिकॉज़ रणवीर हैज बीन योर फैन एंड वो हमेशा मतलब उनकी शादी में भी आप ही के गानों पे डांस किया। मैं उन्हें जिस वक्त उनके साथ शूटिंग कर रहा था तो वो बहुत सारा एक्ट ऐसा करके दिखा रहे थे जो मैंने कभी किसी फिल्म में किया है, तो मैं बहुत शॉक्ड हो जाता था ये मैंने कब किया था किसी फिल्म में, तो मैंने कहा मम्मा वो फिल्म देखना चाहता हूँ मैं। गॉड ब्लेस, आई फील सो नाइस दैट के ये ऐसा माहौल, वैसा माहौल रहे तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। सिर्फ यू हैव अ आप हर डिफरेंट पर्सनालिटीज़ का अच्छा समय भोगें, अच्छा लगता है। जैसे सलमान खान की तारीफ मैं ऐसे ही बिना पैसे लिए किया करता हूँ कि वो अच्छा समय आया तो उसका अच्छा समय एज अ पर्सनालिटी बहुत सारे लोग भोग पाए, विच इज़ सो नाइस। विद मी 23 डायरेक्टर्स, न्यू डायरेक्टर्स देखे, बहुत सारे हीरोइंस आए, बहुत सारे स्टार आए, बहुत सारे करेक्टर एक्टर आगे निकले, तो आई फील सो नाइस ब्लेस्ड। अच्छा ऐसे रहे तो ऐसे रहेगा रहे, अच्छा तो अच्छा लगता है। हाँ हाँ मुझे दे आर मुझे बहुत पसंद है वो, ही इज़ बीन वेरी स्वीट, सो नाइस। मैं उनकी फिल्म देख रहा था तो उनका ट्रैजिक सीन था आगे, तो मुझे किसी ने कहा वो आएगा तो मैं उठ के बाहर निकल गया। रामलीला आई थिंक सो। ओके तो आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव होते हो? हाँ आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो? मैं हाँ मुझे पूछा आप? हाँ थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा
तो कौन सा like इस पे आप ज़्यादा एक्टिव होते हो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर? एवरीवेयर, जहाँ मुझे लगता है कि ये थोड़ा सही है, राइट है, राइट समय ये कह दें, ये कर दें, अच्छा रहेगा. मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे, क्योंकि जो वो जो जो समझते हैं ये अच्छे से करते हैं. एक्चुअली ये थोड़ा सा प्रोफेशनल जॉब है, एक्चुअली ये थोड़ा प्रोफेशनल जॉब है, जो इसे समझते हैं अच्छे से करते हैं. जैसे देयर फ्यू एक्टर्स आर्टिस्ट, व्हेन आई एम लुकिंग एट देम ना, तो बहुत मतलब अच्छा रिएक्ट करते हैं वो लोग. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हाँ बिल्कुल, आपने डांट भी लगाई. थैंक यू सो मच.